नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्जाम आने वाला है, इसके लिए आपकी स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो ये स्पेशल क्लासेस आप जरूर देखिए। आप अगर एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये क्लासेस होंगी, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसी बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। पूरा कोर्स आपको उसका करवाया जाएगा जीएस का, और डिटेल में इसको समझाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको करवाई जा रही है ग्राम पंचायत अधिकारी की कंप्लीट तैयारी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। डेली लेक्चर पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सभी लेक्चर सीरियल वाइज मिलते रहें। और इसके पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है तो @श्री एजुकेशन लिख के सर्च कर लीजिए। बस SHRIEDUCATION, वहां पे इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, और भी सारे अपडेट मिल जाएंगे, और भी पीडीएफ मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, सुबह 5 बजे हमारे चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर मिल जाते हैं, और ये करंट अफेयर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो एग्जाम देने वाले या कोई एग्जाम देने वाले, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो एग्जाम होते जा रहे हैं उसमें आप देखिए हमारे करंट अफेयर द्वारा पढ़ाए गए जो क्वेश्चंस हैं उसमें फंस रहे हैं, तो 90% ज्यादा वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जरूर देखा कीजिए। और इसके साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन डिटेल में बताया जा रहा है इस करंट अफेयर में, तो जरूर देखिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं कोर्स की। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें पहला लेक्चर होगा। सीरियल वाइज चलेंगे हम, चैप्टर वाइज आपको सब समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन, किससे शुरुआत करने जा रहे हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, लगभग सबको मालूम होगा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा वही है दोस्तों जिसने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी। और ये भारत में किस वर्ष आया, तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए। तो ये भारत में 1498 ईस्वी में आया, ठीक है, 20 मई 1498 ईस्वी में ये भारत में आया। और भारत में सबसे पहले कहाँ आया था, आप देखिए, ये भारत का जो ये पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है आप जानते हैं, तो यहाँ पे केरल, केरल के अंदर एक बंदरगाह है कालीकट, जिसे कोझिकोड के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे पहले वहां पहुंचा था वास्को डिगामा। तो इसका आंसर आपको मालूम हो गया, 1498। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। जो पुर्तगाले थे उनका जो प्रथम वायसराय कहा जाए, या प्रथम गवर्नर जो था वो भारत में कौन था, तो ये आपको बताना चार ऑप्शन में से। तो आपको मालूम पड़ गया कौन सा पुर्तगाली सबसे पहले आया, तो पुर्तगाली 1498 में सबसे पहले भारत आए, तो उस पुर्तगाली का नाम वास्को डिगामा, ये बता दिया आपको। तो पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार किया, और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां जो है स्थापित की भारत के अंदर। और इन्होंने जो इनका जो सबसे पहला गवर्नर या जो वायसराय था वो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा पुर्तगालियों का जो प्रथम वायसराय या प्रथम गवर्नर था वो 1505 में बना। और इसके बाद 1509 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ये गवर्नर बने, या ये वायसराय बने। और इन्होंने अगले ही वर्ष, अपने नियुक्ति के अगले ही वर्ष 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक से गोवा को छीन लिया था, ठीक है। बीजापुर शासक उस समय यूसुफ आदिल शाह थे, यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर के शासक थे उस समय। इनसे अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। और गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ये 1498 में कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा आया, तो उस समय कालीकट के जो राजा थे उनका नाम था जेमोरियन। उस समय कालीकट के जो शासक थे उनका क्या नाम था, जेमोरियन। तो जेमोरियन ने, या जेमोरिन उनको कहा जाता है, तो जिमोरिन ने वास्को डिगामा का बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया, जैसा आम भारत में होता है, अतिथि देवो भवो, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सूची एक और सूची दो से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अब आपको ये बताना है, एक सूची ये दी गई है, एक सूची ये दी गई है, तो ये सूची को मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, जो वास्को डिगामा
ये कौन था? ये एक पुर्तगाली था, तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये वाला इसे मिल जाएगा। और कोलंबस जो था, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहाँ के रहने वाला था? ये स्पेन का था। और कोलंबस के बारे में आप जानते ही हैं, जिसने अमेरिका के रास्ते की खोज की थी, और वास्को डिगामा ने भारत के रास्ते की खोज की थी, भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। और कैप्टन कुक, तो कैप्टन कुक जो है ये ब्रिटेन का था, ठीक है, और इसने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया खोज मतलब ऑस्ट्रेलिया के समुद्री रास्ते खोज की थी, ठीक है। जैसे भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, इसका मतलब आप ये नहीं समझे वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, मतलब समुद्री रास्ते खोज की थी। दुनिया की नजर में भारत है एक देश, वो खोज की थी। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन कुक ने, जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था, और तस्मान ये हॉलैंड के थे, और इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी, ठीक है, न्यूजीलैंड के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये देखिए बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ये पूछा गया भारत में जो पुर्तगाली शक्ति थी उसका वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए कौन था। तो इन चारों ऑप्शन में से आप कौन से बताना है। तो याद रखिए जो 1509 ईस्वी में गवर्नर बने थे, जिनका नाम था अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क, इन्हीं को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और 1509 से 1515 तक ये गवर्नर, या आप कहें वायसराय, ये थे। और यही थे जो 1510 में बीजापुर के शासक आदिलशाह से इन्होंने गोवा को छीना था, और पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार हो गया था। तो ये पुर्तगालियों की पहली उपलब्धि थी, इसी कारण से ये कहा जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है अल्बुकर्क है, ठीक है। हालांकि इससे पहले 1505 में पहले जो गवर्नर थे या पहले जो वायसराय थे वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे, मगर ये पूछा जाए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक तो वो अल्बुकर्क को ही माना जाएगा। जो अल्बुकर्क थे इन्होंने जो है इन्हीं के टाइम पर भारत के अंदर पुर्तगालियों की जो संख्या है जो है वो बढ़ी, और उनके लिए रहने के लिए, पुर्तगालियों के रहने के लिए एक स्थायी बस्तियां जो है उन्होंने स्थापित की, और जो पुर्तगाली थे उनका विवाह जो भारत की महिलाएं थी उनसे करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। तो इसीलिए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। पूरा नाम आपको मालूम होना चाहिए, अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। तो पुर्तगालियों ने भारत में जो अपना प्रथम दुर्ग था वो 1503 में स्थापित करवाया था, 1503 में, और वो कोचीन में करवाया था स्थापित, ठीक है, कोचीन में स्थापित किया था। और ये किसके द्वारा हुआ था? अल्फांसो द अल्बुकर्क के प्रयासों से हुआ था, ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क के। हालांकि ये उस समय वायसराय नहीं था, या आप कहें गवर्नर नहीं था उस समय, गवर्नर तो ये 1509 में बना, मगर 1503 में प्रथम दुर्ग की जो स्थापना है वो 1503 में कोचीन में अल्फांसो द अल्बुकर्क के कारण हुई थी। और देखिए अंजी दीव और कन्नानोर, यहां भी उन्होंने, पुर्तगालियों ने अपना दुर्ग की स्थापना की थी, तो यहाँ पे 1505 ईस्वी में उन्होंने अपने दुर्ग का निर्माण किया था, और 1503 में सबसे पहले कहाँ पे? कोचीन में। और यही जो है भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि पहले पुर्तगाली आए तो पहला यूरोपीय दुर्ग पूछा जाए यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आंसर सबको आता, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको इस कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इजी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आंसर दीजिए, और आपको क्रम भी बताना है, ठीक है, इसके साथ सबसे पहला, फिर दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन है, आपको क्रम भी बताना है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कहानी टाइप पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से पूरा कोर्स आप पढ़ लीजिए, 58 लेक्चर है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले का आंसर लिखेंगे आप पहला ऐसे, फिर दूसरे का आंसर ऐसे, तरीके से क्रम में आप बताएंगे आंसर, ताकि मुझे मालूम पड़ जाए किस कौन सा आंसर आप बता रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? ये बताना आपको, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन है, बांदेल, चिन्नसुरा,
हुगली, श्रीरामपुर, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि बंगाल के अंदर वो कौन सी फैक्ट्री है जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई। तो इसका राइट आंसर है हुगली। हुगली में देखिए हुआ क्या था, पुर्तगालियों ने जो है 1534 ईस्वी में दो जगह है सतगांव और चटगांव, चटगांव तो आप जानते ही हैं नाम, सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए बंगाल के उस समय जो शासक थे गयासुद्दीन महमूद शाह उनसे परमिशन ले ली थी। तो वहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई और आगे चल के आप देखेंगे जो सतगांव है इसका पतन हो गया था और इसकी जगह जो है हुगली ने ले ली। ठीक है, अब हुगली नाम से जाने जाने लग गया ये, तो सतगांव जो है अब हुगली नाम से जाने जाने लग गया। तो इस चारों ऑप्शन में से आंसर क्या है, हुगली। और चिन्ह सूर्य जो है इसमें, यहाँ पे जो डच थे ना उन्होंने अपनी किले का निर्माण यहाँ करवाया था और डेनिश जो थे इन्होंने श्रीरामपुर में अपना मेन केंद्र स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पांडिचेरी के संदर्भ में। ये पांडिचेरी है, पांडिचेरी जिसे आप पुदुचेरी के नाम से आप जानते हैं। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा ऑप्शन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली जो दूसरी यूरोपीय शक्ति है वो फ्रांसीसी थे। तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। और आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है, एक सही है, दो सही है कि तीनों सही है, आपको वो बताना है। तो चलिए देखते हैं, तो नीचे शुरुआत करते हैं। अंग्रेजों ने ये बोल रहा है कि कभी पांडिचेरी पर कब्जा किया ही नहीं, तो ये तो गलत बोल रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने जो है 1793 में ही पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था और बाद में इसे जो है 1814 में पेरिस की जो संधि हुई थी ना, पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को दे दिया था पांडिचेरी को। पांडिचेरी फ्रांस को दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1814 में, कौन सी संधि के द्वारा, पेरिस की संधि के द्वारा। ठीक है, पेरिस की संधि के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। दूसरा देखते हैं, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। नहीं, ये तो गलत हो गया, जबकि दूसरी जो यूरोपीय कंपनी थी वो डच थे, डचों ने दूसरे नंबर पर पांडिचेरी पर कब्जा किया था। और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये बिल्कुल सही है। तो पांडिचेरी में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, तो ए ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ, केवल पहला, केवल दूसरा, तीसरा, केवल तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा, दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया, पुर्तगालियों ने, या फ्रांसीसियों ने, या डेनमार्क वासियों ने, या अंग्रेजों ने। चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों के द्वारा ही हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसी कारण से आप देखेंगे कि 1632 ईस्वी में तंग आकर एक मुगल बादशाह जो है वो शाहजहां, आप जानते हैं उनको, उन्होंने हुगली में पुर्तगालियों की जो है बस्तियों को पूरी तरीके से नष्ट करवा दिया था। और यहाँ तक कि 1000 वहां के जो निवासी थे जो पुर्तगाली थे उनको बंदी भी बना लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था। तो चार ऑप्शन दिए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये सबको तो मालूम होना चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा राइट आंसर है आपको अगर मालूम है तो आपने मन में सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है जॉब चारनाक। तो जॉब चारनाक जो थे ये कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी उसके प्रमुख थे ये। ठीक है, कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी उसके प्रमुख थे, जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उसके ये प्रमुख थे, इनका नाम था जॉब चारनॉक, और इन्होंने ही 1690 में कलकत्ता की स्थापना की। और इनके लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इस अगर घुमा फिरा कैसे आए कि कलकत्ता किसने बसाया, तो आंसर क्या है, जॉब चारनॉक। देखिए पूछा हुआ है बहुत बार एग्जाम में, कलकत्ता किसने बसाया, तो आंसर क्या है, जॉब चारनॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में यूरोपीय शक्तियों के देश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं यूरोपीय जो कंपनियां थी या यूरोपीय जो शक्तियां थी उनका जो प्रवेश भारत में हुआ था उनसे रिलेटेड जो कथन सही नहीं है वो आपको चुनना है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था।
तो ये तो बिल्कुल गलत है, पहले ही गलत हो गया, क्योंकि आपको बताया गया था कि पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था, और वो भी कैसे किया था, उस समय जो अल्बुकर्क थे गवर्नर पुर्तगालियों के, उन्होंने गोवा को छीना था, किससे, आदिल शाह से छीना था, जो कि बीजापुर का सुल्तान था। ठीक है, इसी के साथ दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ये तो सही है, मगर हमें गलत चुनना था, तो पहला सही है, दूसरा हमारे हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कथन तो सही है, मगर हमें गलत जो कथन है वो चुनना है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है ऑप्शन। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। तो तीन सही है, मगर गलत कौन सा है, पहला, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, तो इसका राइट आंसर चारों ऑप्शन में से है डच। डच जो थे वो नीदरलैंड के निवासी थे उस समय। दोस्तों जो है न्यूजीलैंड जो था कोई शक्तिशाली जो है राष्ट्र नहीं था, तो इसलिए ये कंपनी थी, इसका जो संगठन हुआ था छोटे छोटे जो कंपनी थी ना उनके द्वारा संगठित होकर ये किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? चार ऑप्शन में से आपको ये आंसर चुनना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में उसकी सफलता का राज आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये तो बिल्कुल सही है, भारत के अंदर जो भारतीय थे उनके अंदर राष्ट्रीय भावना की कमी थी, इसी का उन्होंने फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा इसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है, उनके पास जो है आधुनिक हथियार थे और उनको जो है वेस्टर्न ट्रेनिंग मिली हुई थी उनकी सेना को, एडवांस थे वो। तीसरा ऑप्शन है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लग सकता था, ये तो बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त तीनों। आपने देखा होगा जो भारतीय थे जो अंग्रेजों के अंडर में जो नौकरी करते थे वो बहुत ही श्रद्धा के साथ नौकरी करते थे, तो यही सब कारण थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सफल हो सकी भारत में और उसने लगभग 200 सालों तक राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है मगर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए जो सबसे पहली कंपनी थी वो लीवेंट कंपनी थी ब्रिटिश की, जो ब्रिटिश कंपनी थी लीवेंट कंपनी, इसी को 1593 में सबसे पहले भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था, अधिकार पत्र मिला था, मगर इसे जो अधिकार पत्र था वो स्थल मार्ग से मिला था, स्थल मार्ग से इनको व्यापार करने के लिए मिला था। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि समुद्री मार्ग से सबसे पहले कौन सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको भारत में व्यापार करने के लिए मिला था, और आप जानते ही हैं 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज, ये कंपनी थी, इसको समुद्री मार्ग से भारत में व्यापार के लिए पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। शॉर्ट फॉर्म इसका नाम बोला जाए तो इंग्लिश, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि गठन कब हुआ था, तो गठन तो 1599 में हुआ था और 1600 में इनको परमिशन मिली थी जाने के लिए, तो उस समय जो भारत का जो बादशाह था वो अकबर था, क्योंकि अकबर का जो टाइम पीरियड आप देखेंगे 1556 से 1605 तक था, तो उस समय आंसर क्या हो जाएगा, अकबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो चारों ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर।
अकबर का पुत्र जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है, 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, जो स्थायी फैक्ट्री थी, इससे पहले भी 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम, जिसे आप मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, वहां पे अपनी जो कारखाना था वो स्थापित किया था, मगर वो अस्थायी था, ठीक है। और 1613 में उन्होंने सूरत के अंदर अपना कारखाना जो स्थापित किया, ये अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो ऑप्शन में आपसे यही पूछा जाएगा, तो सबसे पहला फैक्ट्री जो आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन में सूरत ही आता है। तो पूछा जाए अगर आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? तो चार ऑप्शन अगर दिए जाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा? सूरत में, ठीक है, और यही ऑप्शन में आएगा आपके, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सव्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका राइट आंसर है थॉमस बेस्ट, या कैप्टन बेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो इन चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं, जो चार यूरोपीय कंपनियां दी हुई हैं, तो सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित किसने किया था? वो अंग्रेजों ने ही किया था। कब किया था? 1613 में किया था, बताया गया आपको, क्योंकि ये परमिशन किससे मिली थी? जहांगीर के द्वारा मिली थी ना। और जो डचों ने जो है सूरत के अंदर जो अपनी फैक्ट्री जो स्थापित की थी, वो 1616 में की थी, जबकि जो फ्रांसीसी थे इन्होंने 1668 में की थी। तो सबसे पहले कौन सा हो? अंग्रेज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन दिए गए थे, बंबई किससे लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो बंबई जो है उनको पुर्तगालियों के द्वारा मिला था, दहेज में मिला था बंबई। 1661 की बात है, तो उस समय जो इंग्लैंड के सम्राट थे, जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह है वो पुर्तगाल की एक राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया था। राजकुमारी जो थी, इनका नाम था कैथरीन, पुर्तगाल की, इनके साथ शादी हो गई। तो इसी कारण से पुर्तगालियों ने उपहार के रूप में या दहेज के रूप में 1668 में, कब? 1668 में, 7 साल बाद, बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और ये किराए पे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये बताना है कि कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जिसको अंग्रेज औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया। तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, आंसर जो है वो सर जॉन चाइल्ड है। तो ये उस समय बंबई के गवर्नर थे, ठीक है, बंबई के गवर्नर थे। 1688 में सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया गया। देखिए बात क्या थी, 1688 में ना सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया, बंबई और जो पश्चिमी जो समुद्री तट थे ना, ये पश्चिमी जो समुद्री तट थे, यहाँ पर जो मुगल बंदरगाहें थी उसको घेर लिया गया, और जो मक्का जाने वाले जो हज यात्री थे उनको भी बंदी बना लिया गया था। इसी कारण से औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था सर जॉन चाइल्ड को। तो आंसर क्या होगा? सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो सबसे पहला जो कारण था, जो उस समय तत्कालीन कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का, वो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लेना। हालांकि इसके कारण तो बहुत थे, मगर जो उस समय तत्कालीन कारण था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो ये कर्नाटक युद्ध का जो कारण था, वो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये 1746 से 48 तक चला, ठीक है, 1746 से 48, 46 से 48 तक। तो ये आपसे पूछा जाए, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको आंसर क्या होगा? अंग्रेज और फ्रांसीसी। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतने ही, अगले लेक्चर में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, सभी क्वेश्चन जो बताए जा रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।
सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और यहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।